हेलो दोस्तों, फाइनली वेट इज़ ओवर और टोयोटा हाईराइडर एसयूवी को कंपनी के द्वारा ऑफिशियली टीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डबल DRL स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ। साथ में यहाँ पे क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि ग्रिल में देखने को मिल जाता है। बीच में टोयोटा का लोगो और ऊपर और नीचे में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। नीचे की तरफ का भी बम्पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। जो मेन हेडलाइट यूनिट है वो नीचे की तरफ आपको दी गई है दोस्तों, और उम्मीद है कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प रहेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉग लैम्प तो विजिबल नहीं है, लेकिन नीचे में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलता है और लगता है कि फॉग लैम्प भी आपको मेन हेडलैम्प हाउसिंग में देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें दोस्तों साइड लुक की, तो काफ़ी बड़े से व्हील आर्चेस दिए गए हैं और 17 इंच के काफ़ी बेहतरीन डुअल टोन डायमंड कट के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग और यहाँ पर मिरर में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा होने वाला है। साथ में पीछे की तरफ बात करें तो बिल्कुल नए डिज़ाइन के डबल सी स्ट्रिप में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है और पीछे का विंडो एरिया काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। साइड में दोस्तों हाइब्रिड की बैजिंग तो आपको देखने को मिल ही गई है। अगर बात करें दोस्तों इसके इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल होने वाला है, जिसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलेगी जो कि माइल्ड है, जो 103 BHP के साथ आता है और 137 Nm। साथ में जो मेन आपका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 115 BHP की पावर निकालता है। यहाँ पे आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे AWD भी देखने को मिलेगा, मतलब ऑल व्हील ड्राइव। साथ में जो ये AWD है आपको स्मार्ट हाइब्रिड में देखने को मिलेगा जो कि माइल्ड है, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको CVT ऑप्शन देखने को मिलेगा और वो फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें दोस्तों लॉन्च डेट की, तो ये ऑफिशियली टोयोटा के द्वारा 1 जुलाई को अनवील्ड होने वाला है और इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है दोस्तों 10 लाख के नियर देखने को मिलेगी। बाकी हिल होल्ड असिस्ट वगैरह आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लेदर सीट्स आपको देखने को मिलेंगे और वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। बाकी कूल ग्लव बॉक्स सनरूफ भी देखने को मिलेंगे। देखना होगा कि स्मॉल सनरूफ रहती है कि पैनोरामिक सनरूफ। उम्मीद है कि दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ मिले। 360 डिग्री कैमरा तो आपको देखने को मिल जाएगा और जो फीचर्स हैं दोस्तों काफ़ी इस बार ज़्यादा देखने को मिल जा रहे हैं। स्पेस भी गाड़ी में अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि ये 4 मीटर से बड़ी है और डायरेक्टली राइवल करेगी किया सेल्टॉस को दोस्तों और ह्यूंडई क्रेटा को। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कार होने वाली है दोस्तों। और भी कुछ खबर आती है, न्यूज़ वगैरह आता है, इसका टीजर आता है, तो आपको ज़रूर से बताएँगे। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।